मेरा नाम मेजर प्रशांत राठी है और मैं भारतीय थल सेना में पिछले 9 साल से कार्यरत हूँ। और उनमें में मैं पिछले 4 महीनों से यहाँ पे मलाकल में जो अपर नाइल स्टेट है यहाँ पे कार्यरत हूँ। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र का सवाल है, तो स्कूल के समय से ही हमने अपनी किताबों में अपने टीचर्स के थ्रू काफ़ी सुना और जाना, और उस समय से ही जिज्ञासा रहती थी कि हर एक देश के अलग अलग जगह से आए हुए लोग कैसे एक मुद्दे और एक एम के लिए एक साथ मिलकर काम करते होंगे। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इंडियन आर्मी ने और यूनाइटेड नेशंस ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग इस एम के लिए कर पाऊँ कि शांति और सद्भावना अपना हर एक इलाके में फैलती रहे और यहाँ पे शांति आए। मैं यहाँ पे एक ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज TCC जिसको बोलते हैं, उसका एक हिस्सा हूँ जो इनबैट 1 के नाम से अपर नाइल स्टेट में डिप्लॉयड है। जहाँ तक यहाँ पे हमारा रोल और टास्क की बात आती है, तो यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट और चार्टर के हिसाब से प्रथम अगर हम लोग देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस या सिविलियंस को सुरक्षा प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इस काम को अंजाम देने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस, पेट्रोलिंग, पोस्ट सिक्योरिटी, टेम्परेरी प्रोटेक्शन एरिया, इस तरीके के कार्यों को अंजाम देते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र में खाली आर्मी या मिलिट्री नहीं है, यहाँ पे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसीज और अलग अलग जगह के UN पुलिस भी एक साथ मिलके काम करते हैं। तो जब भी हम लोग पेट्रोलिंग जाते हैं तो सब लोगों को फोर्स प्रोटेक्शन, जो एक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है, वो हमारी रहती है। तो उन ऑपरेशंस को प्लान करना, उनको ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना, वो सब हम लोग अपना रोल उसमें निभाते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसीज है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो यहाँ पे लोकल लोगों तक रीच आउट करते हैं उनकी मदद के लिए, उनको भी सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम रहता है। और साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कि जितना भी टास्क काम हमें मिले, हम इस इलाके में शांति और समृद्धि को जितना फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो हम लोग करते हैं। सामान्य दिनचर्या की अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी डायनेमिक, मैं बोलूँगा, ये रहती है। बिकॉज दिन भर की दिनचर्या, एक ये फील्ड लोकेशन है, यहाँ पे ऑपरेशंस हम लोग दिन ब दिन करते हैं। तो हायर हेडक्वार्टर्स जैसे कि सेक्टर नॉर्थ हेडक्वार्टर या INBAT 1 हेडक्वार्टर से आए हुए टास्क के ऊपर हमारा दिनचर्या डिपेंड करती है। हम लोग एक पूरी बटालियन के तौर पे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, तो जो हमारा रूटीन है वो सुबह PT और अपना गेम्स, ट्रेनिंग और अलग अलग टास्क को हम कैसे पूरा करते हैं, उनका रिहर्सल्स, वो सब इन चीज़ों में शामिल रहता है। और साथ ही साथ दिन भर में आए हुए टास्क को अंजाम देना, चाहे वो हवा के रास्ते पेट्रोलिंग हो, यहाँ पे नील नदी है, व्हाइट नाइल रिवर के थ्रू रिवराइन पेट्रोल हो, या फिर ज़मीनी रास्ते के थ्रू पेट्रोल हो, उन सबको निभा के हम अपना दिन भर का रूटीन, वो हम कुछ उसमें वो सब शामिल होता है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो ये मिशन काफी चैलेंजिंग है और बहुत ही अलग किस्म का है। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज, बिकॉज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस और सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से तालमेल, और साथ ही साथ जो मेन काम है कि यहाँ के लोकल सिविलियंस को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, उनकी बातों को समझना, तो एक लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे रहता है। उन चीज़ों के ऊपर काम करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज यहाँ का जो ये साउथ सूडान जो देश है, इसकी जो ज्योग्राफी है, जो टेरेन है,
वो ऑफर करता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी एक्सट्रीम रहता है, काफी गर्म रहता है, हवाएं बहुत तेज रहती हैं, बरसात का मौसम काफी हैवी रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हमें अपने ऑपरेशंस को अंजाम देना है, एंड जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेवल है भी यहाँ पे उतना बेहतर नहीं है। अगर मैं रोड कम्युनिकेशंस की बात करूँ या अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तो ये मौसम की वजह से भी काफी मार खाता है। ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए हमें 2 कदम आगे सोचते हुए कुछ ना कुछ उसका इलाज निकालना पड़ता है और हम उसको अंजाम देते हैं। उसके अलावा एक और चैलेंज जो रहता है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पूरी बटालियन एक डिप्लॉयड है, तो सभी जवानों का हेल्थ हाइजीन, बिकॉज ये मौसम थोड़ा सब लोग के लिए नया है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा टास्क को कंप्लीट करने के लिए हथियार, सामान और गाड़ियाँ रहती हैं, उनका मेंटेनेंस, उनका केयर करना, वो भी एक काफी बड़ा टास्क है। और उसके अलावा एक चैलेंज और साथ साथ मैं अपॉर्चुनिटी कहूंगा कि हमें यूएन फ्लैग के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न देशों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो ये एक अवसर बन जाता है हमारे लिए ये सीखना कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सब लोगों की, वो हम लोग अपने प्रैक्टिसेस में उनको शामिल करते हैं और इंक्लूड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, वन ऑफ द टास्क में हमारा एक रिवराइन पेट्रोल जो है, यहाँ पे व्हाइट नाइल रिवर हमारे बहुत ही नजदीक बहती है, उसके दौरान एक स्पेशल डेलीगेशन, यहाँ के जो गवर्नर हैं अपर नाइल स्टेट के, वो आए हुए थे और उनको फोर्स प्रोटेक्शन, उनके पूरे डेलीगेशन को फोर्स प्रोटेक्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी हमें मिली थी। और वो बहुत ही हाई लेवल पॉलिटिकल डेलीगेशन था, जो मैं उम्मीद करता हूँ अपर नाइल स्टेट और साउथ सूडान में शांति को बहाल करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो उसमें यहाँ के हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो यहाँ के मिलिट्री कंपोनेंट के थे या पॉलिटिकल कंपोनेंट के थे या डिस्ट्रिक्ट या काउंटी लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी सब उसमें शामिल थे, वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। उसमें साथ ही साथ हमें यहाँ का कल्चर देखने का मौका भी मिला, यहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है, कैसे गेस्ट को वेलकम किया जाता है, कैसे अपनी बात को वो कम्युनिकेट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ की जो मिलिट्री कंपोनेंट है उनके साथ तालमेल बिठा के एक साथ काम करना, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और मैं हमेशा उसको अपने साथ कैरी करना चाहूंगा। संदेश देने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि पिछले 75 सालों में संयुक्त राष्ट्र ने बहुत कुछ हासिल किया है। पीस कीपर्स ने अपना बलिदान देके काफी जगह अपना नाम भी कमाया है, देश का नाम भी कमाया है, और जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, शांति की स्थापना और सद्भावना की बढ़ोतरी, उसके लिए भी काफी योगदान दिया है। जैसा कि दर्शकों को भी मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने सबसे पहले 1948 में मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों के बीच में शांति को बहाल करने के लिए अपना पहला मिशन लिया था। और जहां तक इंडिया की बात आती है, तो 1950 से 53 के बीच में कोरियन वॉर के दौरान इंडिया ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे अपनी सेवाएं दी थी। और मैसेज के तौर पे, संदेश के तौर पे मैं बोलना चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता के एक वाक्यांश में जो छोटी सी चीज आती है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है दी अर्थ इज वन प्लेस और पूरा संसार एक ही घर है, उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए जितने भी यंग पीस कीपर्स हैं या यंग जनरेशन हैं जो आगे आने वाले समय में अपना योगदान इस संयुक्त
संसार में, मैं देश नहीं बोलूंगा, मैं संसार तो पूरी दुनिया के बारे में बात करूंगा, वो योगदान उसमें देंगे तो जरूर मेहनत करें, सीखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक ह्यूमन साइकोलॉजी टेंडेंसीज को समझें, तभी आप अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। और मैं सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देता हूं ताकि अपना काम करके वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। जी, उन सब लोग के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अस्पायर कर रहे हैं एक यूएन पीस कीपर होने के नाते, चाहे वो यूनिफॉर्म में है या यूनिफॉर्म में नहीं है, अगर आपका मन है और दिल से ये उम्मीद आप करते हैं कि शांति की स्थापना हो, छोटे बच्चों से लेके महिलाओं से लेके और बुजुर्गों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सो दैट वो भी इस जिंदगी को महसूस कर सकें और अच्छे से जी सकें, तो आप जरूर कोशिश कीजिए। जानिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि ओवरऑल यहाँ पे क्या काम करते हैं, काम कैसे होता है। आप कोर्सेज कर सकते हैं, अपने क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो पीस कीपर्स अगर आपके आसपास कोई हैं, आप उनसे बात करके ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस को जान सकते हैं, ताकि जब आपको मौका मिले तो आप अपनी काबिलियत को निखार के यहाँ पे जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर से बेहतर उस चीज़ को अंजाम तक पहुँचा पाएं।